हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सर्वाइवल आरपीजी 2। तो गाइस, पिछले एपिसोड में हमको एक टास्क मिला था कि हमको यहाँ पे डार्क एनर्जी ढूंढनी है, और उसके लिए हमको काफ़ी सारे यहाँ पे मैप मिले हुए हैं। एक सेकेंड यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे इतने सारे हमको डार्क एनर्जी गैदर करने हैं, और उसके लिए हमारे पास यहाँ पे उतने सारे मैप्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला मैप देखते हैं, और ये कोई वाटर सोर्स के पास में है, तो देख लेते हैं भाई। यहाँ पे तो मेरे ख्याल से एक ही वाटर सोर्स है, तो वहाँ पे मैं आपको जल्दी से मिलता हूँ। ओके, तो गाइज हम लोग वाटर सोर्स के पास तो आ गए, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई पेड़ वेड़ नहीं दिख रहा है, और ये मैप में जो कुछ दिखाया है वो सब यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे और देखेंगे कि भाई दूसरा कौन सा वाटर सोर्स है। भाई यहाँ पे मुझे यहाँ पे कोई दूसरा वाटर सोर्स दिखा तो नहीं। चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से पीछे चलते हैं जहाँ पे हमारा पुराना विलेज था, वहाँ पे जाके देखते हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पर मुझे थोड़ा सा याद आया कि यहाँ पे भी पानी का सोर्स है, और हमको पुराने वाले विलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी हम लोग शायद ढूंढ सकते हैं। और मेरे ख्याल से तो यहीं पे होना चाहिए, क्योंकि भाई अभी ज़्यादातर मिशन जो भी है वो इसी एरिया में मिल रहे हैं, तो यहीं पे होना चाहिए। लेकिन यार यहाँ पे भी तो कोई पेड़ दिख नहीं रहा मुझे वैसा जैसा यहाँ पे मैप में दिखा है। एक सेकेंड, हाँ यार यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है अब हमको फाइनली पुराने गांव जाना ही पड़ेगा, तो मैं आपको वहाँ मिलता हूँ। ओके, तो गाइज हम लोग आ गए हैं हमारे पुराने वाले विलेज की जगह पे। वैसे पुराना वाला विलेज नहीं है ये, यहाँ पे हम लोग पहले रहते थे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला जो मैप है ना, ये वाला जो लोकेशन है, मुझे लग रहा है कि ये उस तरफ कहीं पे है, लेकिन इस तरफ भी थोड़ा सा हमको शायद से ढूंढ लेना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं, मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि उस तरफ जाना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं वहाँ पे जाता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। ओके, तो हम लोग पहुँच गए हैं इस साइड में, और अभी चलो भाई देख लेते हैं मैप में थोड़ा सा फिर से एक बार। ओके, अरे यार मैंने गलत मैप पे क्लिक कर दिया क्या? ओके, पहला वाला। ओके, तो यहाँ पे एक पानी का सोर्स है, उसके साइड में एक बड़ा पेड़ है, और साइड में एक छोटा सा फल का पेड़ है, तो ये वाला एरिया लग रहा है, यहाँ पे देखते हैं। ओके, बिल्कुल सही, यहाँ पे हमको पहला डार्क एनर्जी मिल गया। ऑल राइट, तो अभी हम लोग दूसरा वाला देखेंगे। दूसरा वाला कहाँ है? ओके, दूसरा वाला ये पहाड़ों के पास है। तो चलो भाई यहाँ से निकलते हैं, और पहाड़ों के पास मिलता हूँ मैं आपको। ओके, तो गाइज हम लोग शायद से नेक्स्ट लोकेशन पे आ गए हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ये ऐसे एल शेप की जगह है, और यहाँ पे ये पेड़ है, और ये हूबहू मैप में वैसा ही दिख रहा है, तो यहाँ पे खोद के देखते हैं। ओके यार, ये थोड़ा सा इजी नहीं लग रहा है क्या? ये पिछले जितने भी मिशंस थे उसमें से बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है, बहुत इजीली मिल रहा है मुझे, बट ठीक है, मतलब हमारे लिए अच्छा है। तो ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट वाला लोकेशन देख लेते हैं। ओके, ये मेरे ख्याल से उसके पास है, अपने कीचड़ के पास है, तो वहाँ पे चलता हूँ जल्दी से। ओके, तो हम लोग आ गए हैं भाई कीचड़ के यहाँ पे, और अभी चलो भाई देख लेते हैं मैप एक और बार। ओके, तो यहाँ पे एक पेड़ होना चाहिए छोटा वाला, वो तो मुझे कहीं पे दिख नहीं रहा भाई, मुझे लग रहा है हम लोग गलत आ गए हैं, मतलब यहाँ पे कीचड़ के यहाँ पे नहीं है ये कहीं और है, लेकिन ये कहाँ है मुझे देख के समझ नहीं आ रहा। ये कोई केव है क्या? हो सकता है ये कोई केव का एरिया हो सकता है, यार मैं गलत समझ रहा था। हाँ, ये कोई केव का एरिया है, तो ये तो भाई फिर वो पीछे भी हो सकता है, ये फिर मैं आगे आ गया अब पता नहीं यार। रुको रुको रुको, ये वाला एरिया है क्या, एक बार देख लूँ। नहीं, ये थोड़ा सा वैसा ही है यार, ये केव का एरिया है। तो ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं यहाँ पे आसपास। ये पहाड़ी हमने चेक कर ली, यहाँ पे कुछ है क्या ऐसा? नहीं, यहाँ पे नहीं है। मैं जल्दी से आपको वो मिलता हूँ, रेगिस्तान के वहाँ पे मिलता हूँ, वो वाला थोड़ा एरिया हम लोग चेक करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे नहीं मिला तो पीछे जाएंगे। ओके गाइस, तो हम लोग आ गए हैं रेगिस्तान में, और भाई यहाँ पे तो मुझे नहीं दिख रहा है वो एरिया, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जगह है यहाँ पे एक भी वैसा वाला पेड़ नहीं है जो हमको यहाँ पे मैप में दिख रहा है। ये देखो, ये जो छोटा ग्रास वाला एरिया है वो यहाँ पे है नहीं, तो मुझे लग रहा है कि हम लोग गलत आ गए हैं, हमको सीधा वापस जाना पड़ेगा हमारे वो पुराने वाले इलाके में। तो मैं जल्दी से आपको वहाँ पे मिलता हूँ। ओके, तो गाइज यहाँ पर थोड़ा सा घूम फिर के मुझे पता चला कि ये जो अपना डार्क एनर्जी है जो अभी हम लोग मैप पे देख रहे थे वो यहीं पे है, अपने इसी इसी विलेज में है, वो कहीं और नहीं है। तो जल्दी से मैं वहाँ पे चलता हूँ पहले, जहाँ पे ये है, ये रहा, ये जो लोकेशन है यहीं पे है वो, तो यहाँ पे से जल्दी निकाल लेते हैं। ओके, ये मिल गया हमको एक और डार्क एनर्जी। ऑल राइट, और अभी अगला वाला कहाँ पे?
ओके एक तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि वो डेजर्ट में, और दूसरा वाला भी मैं देख ही लेता हूँ, और दूसरा वाला शायद यहाँ पे जंगल के अंदर कहीं पे होना चाहिए। तो यहाँ पे जंगल के अंदर कैसे जाएंगे हम लोग? ओके यहाँ पे कहीं तो नहीं है। एक सेकंड, पहले मैं ना दूसरा वाला ढूंढना चाहता हूँ, क्योंकि फिर एक सेकंड एक सेकंड, ये किसी पहाड़ के पास है और पहाड़ के लेफ्ट में है, तो ये तो यहाँ पे होना चाहिए। रुको, यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए। यहाँ के अंदर तो हम लोग नहीं घुस सकते अभी, पता नहीं कैसे घुसना है यार वहाँ पे, मुझे अभी तक समझ नहीं आया, लेकिन यहाँ कहीं पे मेरे ख्याल से हो सकता है। ओके यहाँ पे हो सकता है, रुको देखते हैं, सेकेंड वाला मैप देखेंगे। ऑल राइट, ऐसा ही कुछ एरिया है यहाँ पे कोई। ओके ये रहा। ऑल राइट भाई, हमको लगभग सारे मिल गए, बस आखिरी वाला बाकी है, तो जल्दी से मैं आप लोगों को वहाँ पे मिलता हूँ, रेगिस्तान में। ओके तो हम लोग आ गए हैं रेगिस्तान में, तो जल्दी से मैप देख लेता हूँ वरना कीड़े मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ओके यहाँ पे ये स्कल के पास है। ओके ओके जल्दी से यहाँ से निकलो भाई, अरे यार ये लोग मेरे को फंसा देंगे लगता है यहाँ पे। ओके जल्दी से, कैसे तो हम यहाँ से निकल गए हैं और यहाँ पे फावड़ा मारते रहता हूँ, कहीं ना कहीं से तो निकलेगी डार्क एनर्जी, ये रही। ओके भाई मिल गई, चलो भाई अभी जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और जिसने ये मंगवाई थी उसको दे देते हैं। ओके हम लोग आ गए हैं यहाँ पे लाल बाल वाले के घर में, ये रहा, इससे बात करते हैं। इम्प्रेसिव, टेक दिस सोर्ड हैंडल फॉर योर ट्रबल, यू माइट फाइंड अ यूज़ फॉर इट। ओके एक स्ट्रॉन्ग हैंडल मिला है हमको। नाउ आई कुड यूज सम मोर हेल्प, द डार्क एनर्जी सीम्स टू बी लिंक्ड टू फ्लोटिंग एनिमल्स लिविंग अप नॉर्थ, दे ओनली अपियर एट नाइट, कैप्चर फाइव फॉर मी सो आई कैन स्टडी देम एज वेल। ओके तो भाई ये काम तो दिया ही जा रहा है यार बार बार, तो अब इसको कोई फ्लोटिंग एनिमल चाहिए। रुको जरा देखे, यू नीड टू गैदर फाइव फ्लोटिंग एनिमल्स। ओके यहाँ पे फ्लोटिंग एनिमल्स क्या है ये पता नहीं, तो हमको अभी इसके लिए कुछ चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम लोग बाहर आ जाते हैं और देख लेते हैं इसने हमको दिया क्या है, ये जो क्या कहते हैं उसको हैंडल था, इसका हमको करना क्या है भाई? हैंडल तो ठीक है। ओके यू नीड टू क्राफ्ट अ कॉपर वेपन, अरे यार तो मेरे पास कॉपर का स्वॉर्ड तो है मेरे ख्याल से, हमने बनाया नहीं था क्या कॉपर स्वॉर्ड? पता नहीं यार मैं भूल गया। ओके कॉपर स्वॉर्ड हमने बनाया नहीं था यार। ओके तो अभी जाके रेसिपी खुली है, और हमको क्या क्या चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग हैंडल तो है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग रोप हमको चाहिए दो, और कुछ मेल्टेड कॉपर। ओके तो ये तो हमारे पास होना चाहिए, एक सेकेंड पहले मैं देख लेता हूँ हमारे पास कॉपर है कि नहीं। ओके कॉपर काफ़ी सारा है भाई, कोल कोल भी है, चलो बस हमको एक स्ट्रॉन्ग रोप बनाने की ज़रूरत है, तो रोप पहले मैं यहाँ पे दो क्राफ्ट करके देख लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग रोप की हमारे पास रेसिपी है कि नहीं। स्ट्रॉन्ग रोप है, स्ट्रॉन्ग रोप के लिए हमको ग्लू चाहिए होगा दो, दो स्पाइडर वेब और कुछ लाइकन्स। ठीक है ये सारा सामान हमको ना यहाँ पे मिल जाएगा अपने क्या कहते हैं केव्स में, लेकिन ग्लू बनाने के लिए जो सामान चाहिए होगा वो हम यहाँ पे थोड़ा उसका इंतजाम करके जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मैं थोड़ा पानी वानी भर लेता हूँ भाई। ओके यहाँ पे, ओके मेरे ख्याल से मेरे कंटेनर्स भरे हुए हैं, तो पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से यहाँ पे जाके हम लोग थोड़ा सा पेड़ों में पानी वानी डाल देते हैं। ओके यहाँ पे डाल देता हूँ मैं पानी। ओके यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे भी डाल दिया। ओके सब पे डाल देता हूँ, और हम जब वहाँ से रिटर्न आएंगे तब तक यहाँ पे सब कुछ ग्रो हो चुका होगा और अपना काम जल्दी से हो जाएगा। ओके तो मैं आपको जल्दी से मिलता हूँ वहाँ पे सॉरी राजस्थान बोल रहा हूँ मैं, रेगिस्तान की गुफा में। ओके तो हम लोग गुफा के अंदर आ गए हैं, और अभी हमको यहाँ पे कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि पहले एक स्पाइडर मारना होगा। ओके इसको मार लेते हैं, मेरे ख्याल से एक से काम हो जाना चाहिए, देखते हैं अभी। हाँ स्ट्रॉन्ग रोप, ओ सॉरी नहीं ये स्ट्रॉन्ग केज है। ओके स्ट्रॉन्ग रोप देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ ये काम हो गया, ग्लू का काम तो हो जाएगा। लाइकन उठा लेते हैं जल्दी से, यहाँ पे लाइकन है क्या भाई? स्लाइम नहीं चाहिए, लाइकन चाहिए हमको। ओके लाइकन यहाँ पे मिल जाना चाहिए, देख लेते हैं अच्छे से। हाँ ये रहा एक, और ये दो, और यहाँ से जल्दी निकलो। ओके वरना ये लोग खा जाएंगे मुझे। ओके कैंडल्स है क्या? देख लेता हूँ भाई, कभी कभी कैंडल ख़त्म हो जाती है, तो कैंडल तो ठीक है, चलो चलो। तो यहाँ पे लाइकन का भी मेरे ख्याल से काम हो गया है, देख लेते हैं एक बार। हाँ लाइकन भी मिल गया, लेकिन हमको दो स्ट्रॉन्ग रोप लगेगी, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा और सामान यहाँ से इकट्ठा कर लेता हूँ और फिर यहाँ से जल्दी से बाहर निकलता हूँ। ओके तो गाइज़ यहाँ पर हमारा काम हो गया है और मुझे सारा का सारा सामान यहाँ से मिल गया, तो अभी जल्दी से चलते हैं और हम थोड़ा सा ग्लू बनाते हैं,
और ग्लू बनाने के बाद हम लोग स्ट्रॉन्ग रोप बना पाएंगे और अपना काम हो जाएगा लगभग। ओके यहाँ पे कहाँ पे, हाँ यहाँ पे। ओके मैं कभी कभी रास्ता कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, यहाँ पे घुस जाता हूँ मैं, मुझे वहाँ जाना होता है। ओके तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। जल्दी से ये जो पेड़ है ये मैं काट लेता हूँ। ऑल राइट, ये काट लिया है, ये भी काट लिया, ये काट लिया, ये भी काट लिया। चलो अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग ग्लू बना सकते हैं कि नहीं। ओके हाँ बना सकते हैं। पहले 3-4 फ्लावर बना लेते हैं और फिर यहाँ पे ग्लू। ओके एक ही बना पा रहे हैं और थोड़ा सा फ्लावर फ्लावर बनाना पड़ेगा। ओके ये रहा, और अब मेरे ख्याल से यहाँ पे पानी ख़त्म हो गया होगा। हाँ पानी ख़त्म हो गया, तो जल्दी से पहले हमको पानी भरना पड़ेगा। ओके तो हमने पानी भर लिया है और अभी जल्दी से यहाँ पे ग्लू बना लेते हैं थोड़ा सा और। ओके तो हम लोग अभी यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग रोप बना सकते हैं क्या, देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल हम लोग 2 स्ट्रॉन्ग रोप बना सकते हैं। और यहाँ पर वो जो अपना कॉपर स्वॉर्ड था, कॉपर स्वॉर्ड में और क्या बाकी है, बस अभी मेल्टेड कॉपर बाकी है। तो जल्दी से भाई अपने यहाँ पर जो दोस्त है जिसके घर में वो, हाँ ये स्मेल्टिंग का काम करते हैं, तो जल्दी से यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉपर बना लेता हूँ। ओके तो गाइज यहाँ पर हमने कॉपर वॉपर सब कुछ जमा कर लिया और यहाँ पर अभी हम लोग कॉपर स्वॉर्ड बना सकते हैं। तो ये बन गई भाई कॉपर स्वॉर्ड, और यहाँ पर हमारा जो वो मजिशियन का टास्क था वो पूरा हो चुका है अब जाके। बाप रे भाई यहाँ पे बहुत टाइम लग गया मजिशियन वाले टास्क को। ओके तो कहाँ है अपना मजिशियन, यहाँ पे कहीं पे था, यहाँ पे। इसको जल्दी से दे देते हैं, पता नहीं उसके बदले ये भी कोई और काम पकड़ाएगा हमको। ओके हाँ इम्प्रेसिव, यू सीम डिटरमिंड इनफ, वी कैन टॉक नाउ। ओके मतलब सिर्फ बात करने के लिए मतलब मुझे तलवार बनानी पड़ी वाह। फर्स्ट टेक दिस मास्क, इट विल अलाउ यू टू ब्रीद इन द पॉइजनस स्वैम्प अप नॉर्थ। यू विल नीड पॉइजन टू क्लियर अ पाथ टू द जंगल। ब्रिंग मी 10 डेड लार्वा एज अ स्टार्ट। ओके देखो भाई इसने भी काम पकड़ा दिया, तो अभी इसके लिए मेरे को 10 डेड लार्वा लेके आना है। 2 ऑलरेडी है हमारे पास, अच्छा मैंने मारा था। और यहाँ पर इसके लिए तो एक क्रीचर क्या कहते हैं उसको कैप्चर करने, वो रात में निकलते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक काम होने वाला है। इसका काम थोड़ा आसान है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका काम पहले कर देता हूँ। तो जल्दी से पहले हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं। ओके यहाँ पे अभी हम लोग सांस ले पाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने ये मास्क पहन रखा है इसने दिया हुआ। तो भाई चलो भाई यहाँ पे मैं जमा कर लेता हूँ 10 लार्वा। ओके तो गाइज यहाँ पर मैंने इसका काम कर दिया है, तो इसको भाई दे देते हैं इसका लार्वा। ओके नाउ लेट्स सी। ऑल राइट दिस विल नॉट बी स्ट्रॉन्ग इनफ, आई नीड मेनी मोर इंग्रीडियंट्स। ओके गो इन द फॉरेस्ट टू द नॉर्थ एंड ब्रिंग मी प्लेंटी ऑफ पॉइजनस प्लांट्स एंड मशरूम्स, आई विल नीड 8 ऑफ ईच। ओके तो भाई ये तो काम पे काम, मतलब भाई बहुत सारा काम ये और बताने वाला है, इतना तो मुझे पता चल गया। तो हमने काफ़ी सारा काम कर लिया है, अभी इसका काम बाकी है क्रिएचर पकड़ने का, तो वो भी जंगल में ही है। और इसका अभी जो अगला काम होगा वो भी जंगल में ही है। तो मुझे लग रहा है कि हमको इस एपिसोड को ये एंड करना चाहिए, ये सब अगले एपिसोड में कर लेंगे। तो अगर आपको एपिसोड ज़रा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।